रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम मैथ मल्टीप्लिकेशन में टेबल ऑफ फोर करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या आप नफ़ा कमाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हो, अल्लाह से करो, नफ़ा ही नफ़ा हासिल होगा। स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वर्शिपिंग अल्लाह एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स विल कम टू यू। अगर अल्लाह की इबादत करोगे तो हर तरह का नफ़ा हासिल होगा। अल्लाह ताला हर अच्छे काम पर 700 गुना अजर देता है सवाए रोज़े के, क्योंकि रोज़े के लिए अल्लाह ने कहा है कि वो उसका रिवॉर्ड मैं खुद दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह को तो जानो, अल्लाह को किस तरह का बिज़नेस पसंद है, वो क्या चाहता है, हम क्या करें तो अल्लाह इतनी ढेरों अजर देगा, नफ़ा देगा, इस दुनिया में भी और आखरत में भी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अल्लाह ने अपनी किताब भेजी है उसको समझ कर पढ़ें, उसे तर्जमे के साथ पढ़ें। बेशक रोज़ का 3 आयात ही क्यों ना पढ़ें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे ये किताब नाजिल हुई उनकी सीरत पढ़ें, ठीक है। तो आज हम टेबल कर रहे हैं 4 का। तो 1 × 4 इज़ इक्वल टू 4। तो हमने एक स्किप काउंटिंग में 4 को एनसर्कल किया। फिर 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8। तो हमने सेकंड स्किप किया 4 पे और वो 8 पे आ गया नंबर लाइन पे। तो 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8, यानी 2 को अगर 4 से ज़रब दे तो 8 जवाब आता है, और 4 × 4 भी 8 ही होता है। फिर है 3 × 4 इज़ इक्वल टू 12। तो आप स्किप काउंटिंग में, 4 स्किप काउंटिंग में हम 12 तक पहुँचे हैं। 3 × 4 इज़ इक्वल टू 12। 12 को उर्दू में 12 कहते हैं, और अगर आप 4 को 3 दफ़ा जमा करें तो भी जवाब 12 आएगा। फिर है 4 × 4 इज़ इक्वल टू 16। 16 को कहते हैं, और आप स्किप काउंटिंग में देख रहे हैं कि 4th नंबर पे स्किप काउंटिंग की हमने, तो 16 इसका जवाब आया। तो 4 × 4 इज़ इक्वल टू 16। उसके बाद हम 5 सेट्स 4 के काउंट करते हैं, तो ये 20 पे आते हैं नंबर लाइन पे। 5 × 4 इज़ इक्वल टू 20, के 5 × 4 जो है वो 20 के बराबर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 के 5 सेट्स हैं। तो 5 × 4 इज़ इक्वल टू 20। फिर है 6 × 4 इज़ इक्वल टू 24। हमने 4 और ऐड किए 20 में, तो ये बन गया 24। और नंबर लाइन पे भी हमने 6 × 4 की स्किप काउंटिंग की, तो वो 24 पे आता है। तो 6 × 4 इज़ इक्वल टू 24। फिर है 7 × 4 इज़ इक्वल टू 28। हमने एक और ऐड किया 4 को, और आप 4 को 7 times प्लस करें तो भी 28 आता है। और हमने नंबर लाइन पे भी 7 जंप लगाई और हमें 28 पे आके, तो 7 × 4 है वो 28 के बराबर है। फिर है 8 × 4, यानी 8 × 4 आपको 8 दफ़ा 4 को जमा करना है, और स्किप काउंटिंग में नंबर लाइन पे 32 आ रहा है, और 8 × 4 इज़ इक्वल टू 32। 8 × 4 32 के बराबर है। फिर है 9 × 4 इज़ इक्वल टू 36, यानी 9 सेट्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल टू 36। 36 या 36 के बराबर हैं, और हमने स्किप काउंटिंग में भी जब 9th जंप लगाई तो 36 पे आया। लास्ट है 10 × 4, और 10 × 4 इज़ इक्वल टू 40। हमने 4 के 10 सेट्स हैं, और हमने स्किप भी किया, 4 की स्किप काउंटिंग की, तो वो 40 पे आई। तो 10 × 4 इज़ इक्वल टू 40। तो इसको हम देखें, ये स्किप काउंटिंग में ये नंबर आते हैं हमारे पास, और ये 4 to 10 का टेबल है, और हम ये 1 से 10 तक आप इनको ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं टेबल ऑफ 4। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।